कैसे हो मेरे भाई। मेरा नाम है प्रकाश नारायण, आपका स्वागत है फिल्म फैंस की एक और रिएक्शन वीडियो में। तो भाई आज मैं इस वीडियो में रिएक्ट करने वाला हूँ PS2 पोनियन सिल्वन 2 का जो हिंदी ट्रेलर है, उस ट्रेलर पर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं। उससे पहले मैं इसके पार्ट 1 के बारे में बात करूँ कि पार्ट 1 काफ़ी भारी भरकम बजट के साथ आई थी और भाई इसमें इतने बड़े बड़े कास्ट को कास्ट किया गया था। विक्रम को कास्ट किया गया था, साथ ही जयराम रवि है, कार्ती है, ऐश्वर्या राय बच्चन है, तो उसको देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। कह सकते कि पार्ट 1 उस तरह से नहीं निकल के आया सामने जिस तरह की हम लोगों को ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन पार्ट 2 से मुझे ज़्यादा ही अपेक्षा है कि पार्ट 1 हो सकता है कहानी को सेट करने में लगा दिया। तो पार्ट 2 के ट्रेलर को देखने से पहले मुझे उम्मीद है कि हमें इंटरटेन करेगा। चलिए बिना किसी देरी के ट्रेलर पर रिएक्ट करते हैं। और आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के ट्रेलर पर आते हैं और देखते हैं यह ट्रेलर कैसा निकल के आया। तो 1 2 3 बैकग्राउंड म्यूजिक काफी अच्छा लग रहा। कोड़ी करई से संदेश आया है, अरुण मोड़ी को समुद्र लील गया, सिंहासन का उत्तराधिकारी युवराज से दक्षिण। एक तो नाम बड़े विचित्र विचित्र है, उत्तर की भूमि आपको दिमाग में फिट ही नहीं बैठता मूवी देखते समय। ये म्यूजिक काफी पसंद है। ये जो लड़ाई वाला सीन दिखा रहा है ना पिछले पार्ट में, क्या था कि छोटे छोटे झलक के माध्यम से दिखाया गया था जिससे मजा नहीं आया की सूचना पाकर पागल हाथी की। उम्मीद करता हूँ इस बार ये ब्रूटल दिखाया। कार्य तुमने पूरा किया मित्र, अब मैं मानता हूँ वानर वंश सही में एक वीर कुल है। ये ट्रेलर भी पिछले ट्रेलर की तरह एकदम सेम टू सेम चल रहा है। कार्तिक का भी उसमें भी इसी तरह का इंट्री था। आज एक शुभ समाचार लेकर आया हूँ युवराज। जयराम रवि ये भी सेम इंट्री की तरह दिख रहा है इनका, पिछले पार्ट की तरह देखो। पिताजी, अरुण मोरी ने सिंघला में एक गूंगी रानी को देखा। प्रकाश बोलिए वो गूंगी रानी कौन है? नंदिनी करिगालन कडम्बुर में मेरे हाथों मरेगा। करिगालन कडम्बुर आएगा, कैसे पता? क्योंकि बुलाया है मैंने। भाई ये सारे सीन हमको ब्रूटली दिखना है। अब मैं सिंहासन पर बैठकर एक झलक में दिखा दे रहे हैं। पब्लिक सोच रहे कि ये सीन दिखाने वाले हैं। चोल राज्य के दो भाग करना, लेकिन शुरू होते ही सीन खत्म हो जाते हैं। चोल राज्य बांटना है, बाकी शादी के दो टुकड़े करके बांटने को कह रहे हैं। मारेंगे चोल वंश को, जड़ से मिटा देंगे। बातें तो काफी बड़ी बड़ी की जा रही है। कुछ भी बोलो, सात फिल्मों का बैकग्राउंड उस पर काफ़ी जबरदस्त होता है। एआर रहमान का म्यूजिक है। मणिरत्न PS2 ओनियन सेल्वन भाग 2 ऐश्वर्या राय उस ट्रेलर में भी दिखाया गया था। फाइनली इन दोनों का मुलाकात हो गया है, क्या मारेंगी या छोड़ेंगी? 28 अप्रैल बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो भाई लोग ट्रेलर खत्म हो चुका है, तो कह सकते हैं कि पिछले पार्ट का जो ट्रेलर था सेम टू सेम था जिस तरह से उसमें भी एंट्री दिखाया गया था हर कैरेक्टर को, उसी तरह इसमें भी एंट्री दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि जो ट्रेलर एडिट करने वाला दोनों आदमी एक ही हैं। और कह सकते हैं कि यह ट्रेलर मुझे ठीक ठाक ओके टाइप का ही लगा, क्योंकि भाई जिस तरह की पिछली फिल्म निकल के आई थी उसी टाइप का ये भी होने वाला है, मुझे ऐसा
पूरी तरीके से अनुमान लग रहा है, क्योंकि भाई ट्रेलर में जो ब्रूटल लड़ाई वाले सीन दिखाए जाते हैं कहीं ना कहीं उसी को देखकर पब्लिक लोग थिएटर में जाती है, और भाई लड़ाई के नाम पर छोटे से झलक दिखाए जाते हैं तो वो काफ़ी अजीब लगता है कि यह एक वार मूवी है। और इससे मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी घमासान लड़ाई वाले सीन देखने को मिले, जिस तरह से बाहुबली में देखने को मिला था। चलिए यही था मेरा कहना इस ट्रेलर के बारे में, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और रिव्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।